देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या हुआ मैत्री, क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या हुआ? पर्स पे गिरने की वजह से मैत्री को चोट लग गई थी, उस पर बैंडेज कर रहा था, फिर उसकी आंख में कुछ चला गया, वो देख रहा था। और कुछ? बहुत ज्यादा चोट लग गई मैत्री, इस चोट से इतना दर्द नहीं हो रहा नद्दू जितना तेरी से बात ना करने से हो रहा है। सॉरी मैत्री, आई एम सो सॉरी। वो नंदिश की वजह से ना मैं बहुत स्ट्रेस में थी, ओवर रिएक्ट कर दिया, पता नहीं तुझे क्या क्या बोल दिया मैंने। I'm so sorry, मैत्री। लेकिन सुन, मुझे ना अब समझ आ गया है कि नंदिश के साथ साथ मुझे खुद को भी टाइम देना होगा, क्योंकि एक दिन में तो सब कुछ सही नहीं होगा ना। It's okay, नंदू। तुम्हारे लिए भी ये सब इतना आसान नहीं है, I get it। और मैत्री भी ये बात समझती है। तू सच में समझती है मैत्री? तो चल ठीक है, बैठ, आ मेरे साथ बैठ और मुझे बता इन 6 सालों में क्या क्या हुआ। डिटेल में बताना। अगर नंदिश की माँ की जगह कोई ले सकता है तो है मैथ्री। बस काम शुरू किया तो नंदिश को टाइम नहीं दे पा रही थी, इसलिए वो भी छोड़ दिया। लेकिन सुन, अंकल आंटी ने तेरे लिए कोई लड़का नहीं देखा क्या? मेरा मतलब है कि तू तो इतनी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और अब तो बिजनेस वुमन भी हो गई है, तो तेरी दूसरी शादी में ये विधवा वाला पार्ट कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा? मिली थी कुछ लड़कों से नंदू, पर बात नहीं बनी। क्यों, क्यों बात नहीं बनी? क्योंकि मैत्री के ऊपर हमारे नंदिश की रिस्पांसिबिलिटी थी। जो लड़के शहर के बाहर के थे, मैडम ने उनको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि नंदिश को छोड़ के कैसे जाते। और जो प्रयागराज के थे, उनको इस बात से प्रॉब्लम थी कि नंदिश मैत्री से इतना अटैच क्यों। ओह, I'm so sorry मैत्री। लेकिन मेरे पास ना एक सलूशन है, जिससे तेरे लिए भी तेरी शादी के रास्ते खुल जाएंगे और मेरा नंदिश मुझे एक्सेप्ट भी कर लेगा। क्या? तो चल मेरे साथ, मैं तुझे बताती हूँ। चल क्या रहा है नंदिनी के दिमाग में? नंदू बताएगी किस सल्यूशन के बारे में बात कर रही है? नंदू ये क्या कर रही हो? मैत्री, तू मेरे बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खा कि तू मुझे उसके पास जाने में मेरी हेल्प करेगी। नंदू, ऑफ़ कोर्स
लास्ट में तेरी हेल्प करूंगी। तू ये तो बता, तू चाहती क्या है? मैत्री, नंदिश मुझसे तभी प्यार करेगा जब वो तुझसे नफरत करेगा। नंदिश की आंखों में जो नफरत मैंने अपने लिए देखी है ना, वो तेरे लिए होनी चाहिए, तभी उसके दिल में मेरे लिए प्यार आएगा, जो कि फिलहाल अभी तेरे लिए है। तू सच्ची दोस्त है ना मेरी? हाँ, मेरी हेल्प भी करना चाहती है, राइट? तो फिर कसम खा नंदिश की, कि जो मैं तुझे बोलूंगी, जैसा बोलूंगी, तू वैसा करेगी। एक मिनट नंदू, तुम्हें खुद सुनाई दे रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? क्या पागलपन है ये? आशीष, ये पागलपन नहीं है, ये मेरे बच्चे के लिए मेरा प्यार है। और अगर मुझे प्यार नहीं मिला ना, तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगी। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम पा नहीं पाते, तो हमें छीननी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। मैत्री, तो समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, देख मैत्री, जब तक नंदिश को अपनी नकली माँ से नफरत नहीं होगी ना, तब तक वो अपनी असली माँ से प्यार नहीं कर पाएगा। और तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ, मेरी एक गिलासी दो गिलासी वाली दोस्त। हाँ, तो प्लीज प्लीज मुझ पे इतना एहसान कर दे कि तू कुछ ऐसा कर कि नंदिश तुझसे नफरत करने लगे। प्लीज मैत्री, तू कसम खा, खाना कसम। नंदू प्लीज, ये कोई तरीका नहीं है, तुम मैत्री को ऐसे फोर्स नहीं कर सकती। आशीष, मेरा हाथ छोड़ो। नंदिनी, तुम मैत्री का हाथ छोड़ो। आशीष, तुम मेरा हाथ छोड़ो, मैत्री का हाथ भी छोड़ो। आशीष, मैं करूंगी, नंदू ने जो कहा, अगर उससे नंदिश नंदू के करीब आ सकता है तो मैं तैयार हूं। मैं वादा करती हूं तुझसे, तुझे और नंदिश को एक साथ लाने के लिए मेरे बस में जो कुछ भी होगा उससे ज्यादा करूंगी मैं। तेरे और नंदिश के रिश्ते की जोड़ने वाली कड़ी बनना चाहती हूँ, तोड़ने वाली नहीं। अगर इसके लिए मुझे खुद को भी तोड़ना पड़े तो मैं टूटने के लिए तैयार हूँ नंदू।
गलत है। नंदनी तुम जो बोल रही हो वो गलत है, और मैत्री तुमने जो ये किया गलत है, गलत कर रही हो तुम, गलत है ये सब। मैत्री तुम बेस्ट है यार, मैत्री तुम बहुत अच्छी है। तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा सुन, मैं नंदिश को लेके अपने रूम में जा रही हूँ, खल अगर वो तुझसे पूछेगा ना कि वो मेरे रूम में क्या कर रहा था, तू प्लीज कुछ ऐसा बोलना कि वो तुझसे चिढ़ जाए, तू करेगी ना? ध्यान से नंदू, मैं तुझसे कुछ न कहूंगी, दर्द दे दिल को जो भी उफ न करूंगी। अब से मैं तुझसे कुछ न कहूंगी, दर्द दे दिल को जो भी उफ न करूंगी। बांधी थी जो मिलके माहिया माहिया बे, डोरी टूट गया हानिया। शीश, नंदिश को मेरे पास लाने में तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, मुझे आइडियाज देने चाहिए उसे इम्प्रेस करने के लिए, और खुद को देखो ऐसे मुंह फुला के खड़े हुए हो। अच्छा नंदिश तो सो गया है, तो उसके बारे में बात नहीं करते, तो तुम मुझे बताओ कि तुमने इन 6 सालों में मुझे कितना मिस किया। लगता है बच्चे के साथ साथ पति के प्यार के लिए मुझे मैत्री से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। नंदु तुम क्या बोल रही हो, क्या सोच रही हो, मेरी समझ के बाहर है, पूरी बदल गई हो यार। Come on यार आशीष, मैं 6 साल बाद कोमा से इसलिए वापस नहीं आई हूँ कि अपने बच्चे और अपने पति के प्यार के लिए स्ट्रगल करती रहूं। उल्टा पड़ गया। नंदिनी को दिखाना चाहती थी कैसे आशीष ने उसे मैत्री के लिए साइडलाइन कर दिया है, लेकिन ये लड़की ये तो अपने बच्चे के आगे कुछ देख ही नहीं पा रही, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अरे गंगा मैया भली करे दीदी, अरे आप ही से तो संस्कार पाए हैं नंदू ने। अब देखिए ना, आप अपनी पुत्री के लिए ड्यूटी हुई है और नंदू अपने पुत्र के लिए, अब बात तो एक ही है ना। अगर नंदिनी इस बच्चे के साथ जुड़ गई ना, तो ना ही वो इस घर से अलग हो पाएगी और ना ही आशीष से। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि नंदिनी की उसके बच्चे तक पहुंचने की सारी कोशिशें फेल हो जाए। आप एक काम करिए, आप नंदिश के स्कूल जाकर पता करिए कि उसकी क्लास टीचर कौन है, बाकी मैं सब संभालूंगी। जी। ओ जल्दी दो। पापा
पापा मैं तो मैत्री माँ के पास सोया था ना, फिर तो दूसरे रूम से वेकअप कैसे हुआ मैं? लिटिल चैंप, वो क्या हुआ कि रात को ना मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए पापा आपको अपने पास ले आए। फिर ठीक है, मुझे लगा नकली मम्मी उठा कर लेके गई। संदेश बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो आपकी देव की माँ जैसी है, नकली माँ नहीं नंदिनी माँ। ओके पापा, मैंने उसका ब्रश सुसु पट्टी सब कर लिया, तब वो थी। असली मम्मी तो अपने बेबी को उठकर रेडी करती है ना। हाँ बेटा, आपकी नंदिनी माँ की ना अभी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तो इसलिए वो लेट उठी। और आप तो गुड बॉय हो ना, अपने आप से रेडी हो गए, सारे डेली चोर्स आपने खुद से कर लिए, गुड बॉय हो ना? गुड बॉय। और आज तो आपके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है ना, टीचर से कोई कंप्लेंट तो नहीं आने वाली? वो तो टीचर मैम्मी बताएंगी। तेरी तो ऐसी की तैसी, कंप्लेंट मतलब आज तो पक्का कंप्लेंट आने वाली तेरी तो। अरे बस 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 बस। गुड मॉर्निंग माँ। मासी नंदेश, मासी गुड मॉर्निंग, चलो फटाफट खाना खाओ, फिर स्कूल भी जाना है। किलो आशीष। येलो येलो डर्टी बालू मुझे नहीं अच्छा लगता, आपको तो पता है ना माँ। कुछ टेस्टी दो ना माँ, मैं ये नहीं खाऊंगा। नंदिश बेटा, अब आप बड़े हो रहे हो, आपके लिए हर रोज कुछ ना कुछ अलग से नहीं बना सकते ना, सब खा रहे वही आपको खाना होगा, फटाफट खाओ, हेल्दी है, फिनिश करो। नंदेश कम ऑन सैम, खा लो, अगर पापा की तरह फिट और हैंडसम बनना है तो पापा वाला ब्रेकफास्ट भी करना पड़ेगा ना, चलो खा लो। नहीं पापा, माँ जानती है मैं बस सही नहीं खाता, तो यही क्यों बनाया इन्होंने? क्योंकि मैं भूल गई थी कि आपको पोहा अच्छा नहीं लगता है, पर मैंने सबके लिए बनाया तो अब आपको खाना पड़ेगा, फटाफट खाओ, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। गर्मा गर्म पराठे कौन खाएगा विद फ्रेश बटर के साथ? वाओ, आलू का पराठा तो मेरा फेवरेट है, मैं खाऊंगा। अगर ये आपने बनाया तो नहीं खाऊंगा। अगर मैत्री माँ ने बनाया है तो ही खाऊंगा। बेटा ये तो मैत्री माँ बेटा आप एक बार टेस्ट करके देखो ना, बहुत यम है, आपकी मासी से बहुत अच्छा बनाया मैंने, लो खाओ। नो नो नो, मैं आपके हाथ से नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। माँ बना कर दो ना मेरे लिए पराठे। नंदिश बहुत जिद्दी हो गए तुम आजकल, पोहा बनाया ना मैंने, या तो ये खाओ या फिर जो आपकी नंदू मम्मा ने बनाया है वो पराठे खाओ। ज्यादा टाइम नहीं है हम में से किसी के पास, मुझे काम पे जाना है, मैं जा रही हूँ। ठीक है खा लूंगा, बट आप कहाँ जा रही हो? मेरी पीटीएम में जाना है ना आपको। मैं भूल गई, मुझे इतने सारे काम है, बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, मुझे याद नहीं रहा, मेरी मीटिंग है। आप एक काम करो, अपने पापा और नंदू माँ के साथ चले जाना, ठीक है? मैं लेट हो रही हूँ बहुत, मैं चलती हूँ, बाय।
नंदिश बेटा क्या हुआ? अगर मासी चली गई, मम्मा तो है ना, मासी के लिए मासी का काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन मम्मा के लिए सिर्फ नंदिश इम्पोर्टेंट है, इसलिए मम्मा चलेंगी आपके साथ आपके पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में, ठीक है? चल अब हम खाएंगे आलू के पराठे जो कि मम्मा ने बनाया है, ठीक है? चलो आ करो। आज मैं पोहा खाऊंगा, तभी तो पापा जैसा फिट और हैंडसम बनूंगा। बहुत जल्द मैत्री को नंदिश से दूर कर दूंगी मैं।